Dear students, my today's topic is about lymph. Yesterday we studied blood and its components. So blood is a circulatory fluid, and the lymph which we are going to study today is a tissue fluid. इसमें हम ये देखेंगे कि lymph acts as middleman. Middleman between the tissues and other body organs. इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा, it acts as middleman. Actually, blood is lymph is LYMPH. Lymph is equal to blood minus RBCs and some other formed cells, ठीक है, cells और proteins, okay? तो आपको मैंने ये बताया था कि blood consists of plasma and formed cells, और प्लाज्मा में आपको मैंने बताया था 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा हैज वाटर, एंड सो द लिम्फ इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वाटर. सबसे ज़्यादा इसमें वाटर होता है. उसके बाद हम इसमें देखेंगे डब्ल्यू बी सीज होते हैं, और इसमें कुछ जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स and WBCs are present, but RBCs are absent in the lymph. Lymph में RBCs नहीं होता है. और आपको एक्चुअली ये बताऊँ, इसको middleman क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास जो सर्कुलेटरी फ्लूड है वो क्या करता है कि जैसे हमारे लंग्स से लेके चला जाता है ऑक्सीजन, हमारे डाइजेशन सिस्टम से न्यूट्रंट्स लेके चला जाता है. हमारे डाइजेशन सिस्टम से जब न्यूट्रंट्स लेके चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली द न्यूट्रंट्स शुड रीच अप टू द वेयर द न्यूट्रंट्स शुड रीच अप टू द टिश्यू सेल्स. द सेल्स द न्यूट्रिशन दैट वी टेक इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स. वो सेल्स को चाहिए होता है, और सेल्स एक्चुअली द ब्लड वेसल्स आर नॉट एक्चुअली पेनिट्रेटिंग इन टू द सेल्स. So the cells get nutrition and nutrients from the lymph. और आपको मैं बताऊँ, the size of the cells and the plasma or the fluid material of the lymph is very thin, which easily is out from the blood capillaries into the tissue fluids. और tissue fluids में जब रहते हैं तो वहाँ पर and at in the surroundings of the cells, the exchange of material between the cells and the lymph takes place. Exchange of material का मतलब क्या होता है, if a cell has consumed oxygen, then carbon dioxide is released and carbon dioxide comes into the lymph, and then lymph pushes that carbon dioxide and the waste products which are secreted into the cells or which are produced in the cells are back into the blood capillaries. And ये जो lymph अपना जो lymphatic vessels जो हैं, lymphatic capillaries जो है, they are drained into the veins. जो बड़ी बड़ी veins होती हैं इनमें drain हो जाता है. हमारी body में जो lymphs है, जो lymphatic system है वो बना हुआ है thymus gland से, spleen से बना हुआ है, और tonsil से. These are lymph organs, lymphatic organs हम बोलते हैं, या lymphoid, they have lymphoid tissues, okay? Lymph जो है lymphatic nodes और lymphatic vessels और lymphatic capillaries जो है ये इनके अंदर ही इसका lymphatic system जो है confined होता है, ठीक है? एक तो मैं lymphatic capillaries बताऊंगा, lymphatic nodes होंगे which provides adequate pressure to the lymph fluids, और उसके बाद जो है lymphatic organs होते हैं, they are like spleens हैं, thymus हैं, and tonsils हैं, they are lymphatic organs. और इसमें जो आपको मैं ये बताता हूँ कि the most job of the lymph is to defend our body from invading pathogens. जो भी pathogens आते हैं उनके लिए जो ये defense system जो create करते हैं तो ये कौन करता है, lymph ही करता है, ठीक है? और इसके बाद जो exchange होता है cell और body के बीच में जो material actually is exchange होता है, it is between the cell, lymph and the body
फ्लूइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो लिम्फ है, लिम्फेटिक नोड्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड देयर आर 8 लिम्फेटिक नोड्स विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रेशर टू द सिस्टम। अब देखिए व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड ब्लड। अगर हम लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस करें तो व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्लूइड्स, तो हम इसका थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि हमें अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा हम लिम्फ और ब्लड में क्या फर्क है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस करेंगे, ये जो है इट इज कलरलेस, कलर्ड। कौन सा कलर होता है? रेडिश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीम। ठीक है, हीम मैंने आपको ये पहले ही बताया। इसके बाद मैं बताऊंगा जो है स्लो फ्लो होता है इसमें। ठीक है, प्रेशर इज लो, इज दैट मीन्स लो प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई इतना हार्ट नहीं है, एडिक्वेट हार्ट नहीं है जो पंप करे लिम्फेटिक फ्लूइड को, और इसमें जो है हाई प्रेशर एंड फ्लो फास्ट, ब्लड जो ज्यादा फास्ट फ्लो करता है। इसके बाद लिम्फ को अगर हमें बताएंगे कि इसमें जो है लेस प्रोटीन जो है बहुत कम होती हैं। ठीक है, हम लिखे कंटेंट्स प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, इसमें ये पाए जाते हैं। इसमें जो जैसे देखिए कि जो है एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एंड कंपोनेंट्स लाइक हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू एनदर। इसमें आपको मैं बताऊंगा ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है, हार्मोन जो आते हैं, ऑक्सीजन आता है और फूड न्यूट्रिएंट्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी लिए लेके जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये जो है सर्कुलेट्स इन द बॉडी में जो है ये सर्कुलेशन करता है, ब्लड जो है ऑफन सर्कुलेट्स इन द बॉडी। इसमें जैसे देखिए कि इसमें क्या होता है, जो हम लिखेंगे लेस फॉर्म्ड सेल्स लाइक WBCs एंड RBCs, प्लेटलेट्स एटसेट्रा आर एबसेंट। ये क्या होते हैं, एबसेंट। इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट एंड इन एम्पल अमाउंट, ये प्रेजेंट भी होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो एक आर्गन और दूसरे आर्गन के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो टिश्यू का जो वेस्ट जो है, ठीक है, हम लेंगे ड्रेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स इनटू वेंस में ड्रेन करता है। ये क्या करता है, ये जो है जो ब्लड है वो कैरी करता है सेल्स तक, ठीक है, कैरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स टू एंड अवे फ्रॉम द टिश्यूज।
ठीक है. मेजर जो इसका काम है, मेजर इन डिफेंस, द मेजर वर्क, द मेजर जॉब ऑफ द लिम्फ इज इन डिफेंस, एंड इसका जो है द मेजर जॉब ऑफ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज वट एवर द हार्मोन जो है फ्रॉम द एंडोक्रेन ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. इसमें क्या होता है कि जो लिम्फ है दे ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स. जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है, और उनको मैं बताऊंगा लैक्टियल्स, LACTEALS, लैक्टियल्स जो है, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट बनीथ द लेयर ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दीज लैक्टियल्स काज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वट फैट्स, एंड जो एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन द फैट्स आर ड्रेन इन टू द ब्लड स्ट्रीम, एंड देन दे आर डाइजेस्टेड इन टू द लिवर, या लिवर के जो है आसपास वो डाइजेस्ट किए जाते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड. तो मुझे लगता है कि ये जो काफ़ी हैं आपको, अगर आएगा भी तो यू हैव टू मेमोराइज 4 or 5 डिफरेंसेज जो ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ. ओके, अब देखो लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि हमने सर्कुलेशन पढ़ा, हमें ह्यूमन बॉडी में कैसे सर्कुलेशन होता है. द सर्कुलेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी जो है इज थ्रू ब्लड, एंड द सर्कुलेशन एक्चुअली इज डन बाई ए पंपिंग ऑर्गन कॉल हार्ट. हार्ट इज वेरी एनर्जेटिक एंड इट हैज मायोमेट्रियम मसल्स, ठीक है, और इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो इसको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को जो है, ये जो हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करता है. और आपको मैं ये बताऊं कि हमारा जो हार्ट है, इट कंटिन्यूस कीप ऑन वर्किंग राइट फ्रॉम इन कंसेप्शन जो है 3-4 मंथ्स का बेबी होता है एंड टिल डेथ. और इसमें कभी भी एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज आती हैं. देर आर वेरियस काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज दैट कैन ओकर इन टू द हार्ट, एंड दीज आर एबनॉर्मलिटीज आर ड्यू टू अवर ओन जो है ओन एफर्ट्स, हम अपनी एफर्ट्स की वजह से, या अगर हम अच्छी तरह से डाइट नहीं लें, अगर हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करें, उस तरह से हो सकता है. और हार्ट के जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी फैटल, ऑफन फैटल होते हैं, क्योंकि ऑन स्पॉट जो है डेथ हो जाती है. इसलिए जो हार्ट एक बहुत जो है वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जिसका फंक्शन करना जो प्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि हार्ट जो है इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स एंड इट्स मसल डू नॉट गेट फैटिक्ड. जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट बीट कहते हैं, और एक मिनट में 70 या 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है नॉर्मल पर्सन में. और जो हार्ट का जो वेंट्रिकल और ऑरिक वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उससे हम हार्ट का प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है. जो हार्ट का प्रेशर जो हार्ट बीट्स जो हम करते हैं कंट्रोल, तो वो स्टेथोस्कोप डॉक्टर को लगी होती है, वो स्टेथोस्कोप से करता है. इम्पल्स रेट हम इसको 70 से 72 टाइम्स होता है, ठीक है. तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ क्लिनिकली जो है हार्ट के बारे में है. अब मैं बताऊंगा ह्यूमन बीइंग में जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड होता है. लेकिन प्लांट्स में उतना ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में दो तरह के फ्लूइड हैं. एक तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर ज़रूरी है, एक तो जो फोटोसिंथेसिस जो लीव्स में हो रही है, वहाँ से जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है उसको वापस लाना है. तो आपको ये मैं बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स आर जो है कास्ड बाई ए टिश्यू कॉल्ड जाइलम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज की वजह से होते हैं, एंड हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. वो कहाँ होता है, रूट्स से लेकर अपर लीफ तक जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब देखो इसके पीछे इतने जो 100-100 मीटर तक ऊपर ट्री होते हैं और नीचे जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, इसके पीछे में एक ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी है और एक असेंट ऑफ सैप थ्योरी जो है रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर आती है. लेकिन ये क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि हाउ द वाटर इज रेज्ड अप टू द 100 मीटर बाई द एफर्ट्स ऑफ रूट्स आर इनसाइड द प्लांट्स जो है वो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यूज, जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो उनके जरिए. तो देयर इज नो क्लियर कट डिस्क्रिप्शन. लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यूज,
एंड जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के बाद ग्लूकोज हमारे लीव्स में बनता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से, वो लीव से जो फूड प्रिपेयर होके वापस आता है वो स्टेम में स्टोर होता है या फ्रूट में, और वो जो फ्लोइंग टिश्यू से आता है, इसको हम सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप भी कहते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट में वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन जो है एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू स्टोमेटा आफ्टर लीव्स। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में उतना ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सर्कुलेशन इसी तरह से हमारे प्लांट्स में होती है। तो कल जो है हम लास्ट टॉपिक इसका करेंगे। थैंक यू।